हेलो, हेलो, सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम साबिर भाई। खैरियत? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। सलीम भाई, 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ, बात कीजिए साबिर भाई। कुछ भी नहीं सलीम भाई, आप देखे भी होंगे कि मैनावर के आसपास जो है सोशल मीडिया पे हमारे घर का जो मसला चल रहा था, वो फैमिली डिस्प्यूट है। धोबी घाट के निकलना। नहीं जी, याकूतपुरे का, अच्छा, याकूतपुरे का। हाँ याकूतपुरे में फैमिली डिस्प्यूट है हाँ हमारा। कुछ वो झगड़ा हफ्ते हुआ, नहीं, कुछ आपके घर में घुस के आपके रिश्तेदार अटैक करे, देखो आप लोग डिफेंड करे उसको, तो मारे करे, बोल के उल्टा बनो। जी घर में घुसते, हमारे आंगन में आते, उन्होंने जो है सो वनों को लेके आते। घर में कोई मर्द मर्द कोई भी गैर मौजूदगी में जो है सो देख लेके उन्होंने जो है सो घर में घुसते। फिर वो पिक्चर नहीं बताते, नहीं बता बहुत के क्या करते, जब हमारे को इत्तला होती, घर से इत्तला होने के बाद जब आते आते गाली गुफ्तार होती, झगड़ा पंचायत होता, गुस्से की हालत में आदमी मारता ही ना। घर में घुसे थे किसको भी, गैर महरूम को लेके नहीं, वो आपके चाचा चचेरे भाई नहीं शायद ना वो? हमारे सगे चाचेरे चचेरे भाई है, तायरे भाई है। हमारा फैमिली डिस्प्यूट है, हमारे दादा का इंतकाल हुआ 2004 में, जी होने के बाद से जो है सो हमारे चचा जो है सो घर को मैयत भी नहीं आई थी, पूरे घर में के डॉक्यूमेंट चुरा लिए थे, अच्छा डॉक्यूमेंट पैसे एक्स वाई जेड जो जो भी कर सकते उन्होंने पूरा कर लिए। जी। उनका एक बच्चा है नवाज बोल के, मोइनबाग में लकड़ी की दुकान चला रहा। अब और एक एक बच्चा है जहूर बोल के, जो मजलिस का सरगर्म कारकुन बना हुआ है और खुद मैत्री कमेटी का मेंबर है, बाप बेटे दोनों मिलके। और जी। उसको जो है सो सदर साहब रात दिन जो है सो बोल रहे हैं कि मेरे को पुलिस के मकबरों से बड़ा खदशा है बोल रहे हैं। लेकिन खुद यासर अरफात साहब खुद जो है सो 3 दिन पहले आके जो है सो इब्तदाई का सदर बना रहे बाप बेटों को, ये मैत्री के ना मेंबर को मैत्री के मेंबरों को जनरल सेक्रेटरी बना रहे, बाजाबता ये मोहम्मद क्या जहूर हो रहा को है? जनरल सेक्रेटरी बना रहे। जी ये याकूतपुरे में क्या हो रहा है? उसको समझ से बाहर है ये। सलीम भाई, एक बात बताओ आपको सलीम याद है भाई। वो याकूतपुरे में इलेक्शन से पहले एक जी, बच्चा जो है, नौजवान बच्चा, बाजू वाली बच्ची का कुछ रेप कर दिया था? वो देखो आजीम आजाद का बेटा एसआरटी कॉलोनी में, वो भी इतने नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद। सदर था मजलिस का, वो अजीम आजाद के बेटे को खुद याकूतपुरा इंचार्ज यासर अरफात ठहर के बोले पुलिस स्टेशन में, साहब अंदर करो, जो कार्रवाई कर सकते करो, हमारी सूरत देखा सबको मैंने देखो भी। बोले। हाँ, फिर वही घर में दो आदमी को इब्तदाई सदर बनाए। देखो आप, बाबा को भी बना दिया ये एक जगह पे याकूतपुरे इब्तदाई में क्या सदर। मजाक हो रहा साहब? एक लॉजिक एक एक बात है सलीम भाई, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही। ये याकूतपुरा एमएलए जो है ना, अहमद जी पाशा कादरी साहब, ये जमात का सुनने सीनियर पर्सन है क्या? असदुद्दीन अवैसी भी नहीं पैदा हुए थे होंगे जब से इन्होंने जमात के साथ है, मेरी नॉलेज के हिसाब से। अब ये इतने एमएलए है क्या, हर एरिया में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, मजलिस की कॉन्स्टिट्यूंसी में यासर अरफात जैसा कोई पर्सन इंचार्ज है क्या? नहीं है। हाँ, अरे इंचार्ज बनता आदमी इलेक्शन की हद तक ना, वो क्या टेम्पररी पाशा लगते हैं। कादरी को एमएलए की नॉलेज नहीं है? पिछले 4 मैच से इलेक्शन जीत रहे नो, क्या कारपोरेटर भी थे रबर उन्होंने? स्टाम्प है क्या उन्होंने महमूद अली साहब किया ऐसा? नहीं, जनरल सेक्रेटरी है जमात की उन्होंने। अरे जनरल सेक्रेटरी है, मजाक है, एक एमएलए है याकूतपुरे का एमएलए के संगाती, इंचार्ज का क्या काम है भैया? कर समस्या बाहर ही है लोगों इधर। के घर बर्बाद कर दे रहे ना। आप देखिए छोटी सी बात है, हमारा घर का झगड़ा है सलीम भाई, 324 केस बुक हुआ हमारे पर, उन्होंने हमारे घर पे आए। अभी मैं तीसरा याकूतरे में इंचार्ज सुन रहा हूँ इब्तदाई। एक हाँ तो वो रेप केस के अंदर के जाके नाके में इलेक्शन खरीद था तो ड्रामा कर रहे थे, जब ही हाँ मैं हंस लिया ये हाँ ड्रामा कर रहे हैं जाके इलेक्शन के जीते। सामने ड्रामा करे, अवाम को बेवकूफ बनाए। ओ बच्चे का हुआ हाँ, तो बाबा बाबा कुछ है, बाबा कुछ है, बाजू हटा कोई देते। गरीब हाँ गरीब मुसलमान की बेटी थी ना साहब, इसलिए जो है उसको नजरअंदाज कर दिया। अगर वही कोई जमात के वर्कर की बेटी रहती तो अब लोग भूल जाते ना भाई, ऐसी इलेक्शन की बर्दाश्त कर बात में लेते? वो देखा इलेक्शन वर्करा था बोल के गर्मा गर्मी में जाके नाके पे ड्रामा करे, वो बच्चे को अंदर ड्रामा करे, करो, उसके बाद भूल गए। भूल गए क्या? पब्लिक ही भूल गई, खत्म हो गई बात। पब्लिक तमाशा हमारी भी है ना बना के रखे ये सलीम भाई, याकूतपुरे मेरे में। को पॉलिटिकल बेस पे कोई बात नहीं करना है सलीम भाई, मेरे का मसला क्या है अब मालूम? कौन कर रहा मेरा है अपने कौन घर आपको, का मसला ये है। क्या हुआ क्या? अभी ये हुआ क्या वो देखो खत्म हो आप, गया बोल के सुना था नाके पे मैं, ये मामला। नहीं हाँ खत्म हो गया था, 324 केस हुआ जो है सो आपस में कॉम्प्रोमाइज हुआ। फिर उसके बाद अरफात साहब याकूतपुरा इंचार्ज जो है सो अरे इंचार्ज कह दीजिए, किसकी, बार बार इंचार्ज कह के इंचार्ज कह अरे के। नहीं बनाए ना भाई असदुद्दीन अवैसी बनाए ना उनको, किस जी बुनियाद पे बनाए समझ में नहीं आ रहा। क्या याकूतपुरा एमएलए लंगड़ा लुल्ला है क्या है आखिर? हाँ जो इंचार्ज की जरूरत पड़ी यहाँ पर, तो वो इंचार्ज कोई काबिल आदमी है? हाँ, फिर अब काबिल आदमी है बोले तो वो अनएजुकेटेड सोसाइटी के वास्ते उससे बड़ा काबिल आदमी और क्या होना? इंचार्ज की क्या जरूरत है? एमएलए को क्या, मुमताज खान को इंचार्ज है, अकबरुद्दीन अवैसी को इंचार्ज है,
बहादुरपुरे पे कोई इंचार्ज है, कौसर मोहिद्दीन कने कोई इंचार्ज है, याकूतरे पे इंचार्ज का मतलब ये एक ये गरीब गुरबा लोगों के घरों में तबाह करना, बिगाड़ पैदा करना। पिछले हम 10 साल से परेशान है, लेकिन कोई इंचार्ज यहाँ पर नहीं आ रहा। कोई याकूतरे का आदमी है, इंचार्ज है बोलने को यहाँ पे, चलो मुकामी तौर पे। अरे नामपल्ली वाले को याकूतरे में इंचार्ज बनाए भाई, क्या बोलो, ऐसी सदारत पे, ऐसी क्यादत पे, ऐसी की बात है। बहादुरपुरे में रहने वाले आदमी को लेके याकूतरे का एमएलए याकूतरे में बना रही और इंचार्ज नामपल्ली के जो है एक क्या बोलूं, वो सब जमीनों के कारोबार लेना देना सब। सलीम भाई तो मैं आपको छोटी बात बताता हूँ, सलीम भाई जरा आप टाइम दो, मेहरबानी। देखो आप पिछले 10 साल से हम परेशान है साहब, हमारे महल्ले में चार जो है तो औरतें बेवा हो गए, कई ऐसे बच्चे बेवा है, मगर कोई ऐसा इंचार्ज जहाँ हमारा आए यहाँ पर आके हमारा इंसाफ दिलाने के वास्ते, अरे हम घर बैठे हमारे को केसों में मुब्तला करके परेशान करके रखे। अरे भाई ये अब जबकि मेरे अपने घर का मसला है, मैं मीडिया के जरिए अपडेट दे दिया भाई, ये मेरा हमारा पर्सनल मैटर है भाई। मीडिया रॉन्ग मैसेज देके अवाम में जो है एक बिला वजह के एक न्यूसेंस पैदा करी, बल्कि सेकंड डे में उसके बाद हमारे ऊपर 324 केस बुक होता, एरिया में कॉम्प्रोमाइज होता। हाँ 8 दिन गुजर जाते, 9वें दिन जो है सो फिर बुला के सर्कल हमारे ऊपर 307 केस बुक कर देता, हमारे घर के 5 आदमी रिमांड हो जाते। हाँ हमारे घर में घुस के आके मारते, हमारे केस कंप्रोमाइज हो गया था, उसको 307 गरीब बोली, उसको 307 कर देते, ऐसा क्या है सलीम भाई? अरे सरकार को दबाव बनाए, अरे क्या है साहब, कल तक तो आप कॉम्प्रोमाइज करे 324 के ऊपर, सब चीज होने के बाद मेरा कुछ भी नहीं है साहब, ऊपर से प्रेशर आ रहा। अब ऊपर से प्रेशर आ रहा बोले तो ये ऊपर का प्रेशर जो है अंजनी कुमार साहब का तो नहीं आया ना, हाँ असदुद्दीन अवैसी साहब का तो नहीं आया, बादशाह कादरी साहब तो उन्हें कोरोना से पड़े हुए उनका तो नहीं आया, ये याकूतपुरा इंचार्ज की कारनामे है। फिर उसका सबूत दे रहे हैं इन्होंने, पलट के चौथे दिन आके जो है सो इन्हों हमारे दुश्मन को जो है सो ताकत देके जो है सो मैत्री कमेटी के मेंबरों को जो है सो ताकत देके जो है सो बता रहे हैं कि हम कुछ है। तो ये दुश्मनी आपको अगर मेरे से निकालना है ना, मैं याकूतपुरा इंचार्ज को मैं बोलूंगा एक दिन इंशाल्लाह फोन करके, अगर दुश्मनी मेरे से निकालना है तो पर्सनल मेरे को निकाल के तुम्हारे पास सर्विस देना है, मेरे को शूट कर डालो तुम, अगर मेरे को बर्दाश्त नहीं कर सक रहे, सच्चाई का सामना नहीं कर सक रहे तो सलीम भाई नहीं तो फिर अब वो ये तो ये घरों में घर तबाह कर दे रहे ना, देखो 307 बुक कर दिए, बिला वजह के खानदान में पूरे न्यूज़ पैदा हो गए। ये तो कैसा हो गया बोले तो ड्राइवर और स्क्रू ड्राइवर की कहानी हो गई है। अरे ड्राइवर स्क्रू ड्राइवर से भी बदतर सूरत हाल है भाई, क्या बोलूं मैं, यहाँ पर ड्राइवर को निकाल दे के स्क्रू ड्राइवर को रख लेना। अरे क्या है सलीम भाई, मजाक हो गया जी, माँ की गिरगिरी पकड़ के कोई पूछने वाला नहीं है। चार्ज कह के भाई है, अरे भाई कोई पूछने वाला नहीं है, मुंह मरे मुसलमाना है तो सदर साहब ये समझ रहे हैं, जिसकी चाहे लुंगी उतार दे तो मैं सरे बाजार, जिसकी चाहे इज्जत से खेलूंगा, जिसकी चाहे तो उसके सर से उसका आंचल खींच लूंगा, समझ रहे हो? मगर वैसा नहीं होगा सलीम भाई इंशाल्लाह। या घरेलू झगड़ों में अगर पर्सनल मैटर्स में अगर अपनी ताकत का अपनी इख्तदार का अगर गलत इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत संगीन नतज निकलेंगे इसके इंशाल्लाह, कौम छोड़ेंगे नहीं, अवाम छोड़ेंगे नहीं लोग इंशाल्लाह। कैपेबल नहीं है एमएलए, काम नहीं कर सकते हो ना, क्या काम कर सकते हो ना, अगर उन्होंने काम करते ना तो ये कहीं को नहीं होता था, बोलो आप मेरे को। इनो इंचार्ज जो है आईपीएस या आईएएस ऑफिसर है, तालीम याफ्ता है क्या? अरे भाई उनके मजलिस के भक्तों के वास्ते आईएएस नहीं आईपीएस है। अच्छा मजलिस के भक्तों, आज मौजूदा सूरत हाल मुसलमानों की कैसी है मालूम? अगर कोई एक लंगड़े को अगर एक जींस पैंट पिला के खड़ा कर दिए इन्हों घामा पिलाने वो तो घामा पिलाना है बोल रहा है इसको। ये मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल ऐसी है मेरे भाई, डर खौफ पैदा कर दिए कौम के, डर खौफ का माहौल। अरे भाई पर्सनल मैटर्स में आने की क्या जरूरत है सलीम भाई, लोगों को बोलो तुम बिल्कुल नहीं। अरे हमारे घर का झगड़ा है भाई, हमारा चिच्चा छोर है, हमारे दादा का इंतकाल होगा तो पूरे पेपर चुरा लिया उन्हें मालूम, पूरे उनके पूरे प्रॉपर्टियां वैसी पड़े हुए, कोई घर बेच नहीं सक रहा। याकूतपुरी की हालत बहुत खराब है इस वक्त। अरे तमाशा बना के रख दिया भाई, हमारे पर्सनल मैटर में आने की क्या जरूरत है? अगर आपके सलीम भाई मेरे को एक दरखास्त है आपसे, मेहरबानी आपकी, अगर आपकी अगर सदर साहब तक अगर रसाई है किसी के जरिए तो एक मैसेज पहुंचाओ भाई, ये पर्सनल हमारे मैटर्स में आने की क्या जरूरत है? अगर मेरे से दुश्मनी निकालना है ना, बल्कि मैं इतना एक काम कर देता हूँ आपका, ये आप में से जो बात कर रहे हैं ये मैं जो है आपकी आवाज सोशल मीडिया के जरिए जो है मैं पोस्ट कर देता हूँ और मेरी आवाज खुद ब खुद चले जाती। मेहरबानी सलीम भाई, कैसा होगा हमारे खानदान में कल को और कोई बुरे हालात होने से बच जाएंगे। अरे बिला वजह के भैया 307 केस बुक करके 5 आदमी को रिमांड कर देंगे, खानदान में पूरा अजीब और गरीब माहौल पूरा क्रिएट करके रखे हुए, और बीच में वहाँ पे संतोष नगर पे भी कर दिया मोहम्मद चैन वगैरह को, उन लोगों को उन लोगों भी बुक करा दिया हो तो उनके क्या है भाई, मजाक बना के रख दिया मुसलमानों को, बोला तुम अब तक जो है सो जैसा चाहे इज्जत जुटे, अब तक घरों में भी गुजार रहे हैं सियासत जिनकी वही हाल हो गया। अरे
तो मजाक बढ़ा दिया सलीम भाई और कुछ भी नहीं। अरे पांच आदमी घर का रिमांड है ना जाए तरीके से। आप सोचने वाली बात ये है, हमारे घर में उन्होंने घुसते, हमारे घर में गुंडों को लेके घुसते हैं वो पिक्चर नहीं बताते। जब हम उनको गुस्से में आके मारे औरतों के संग गैर गलत हरकता करने के ऊपर मारे तो जैसे वो पिक्चर बता के माहौल को क्रिएट करते। और फिर आठ दिन हो जाता केस 324 में जिजर का उधर होता, उसके बावजूद फिर चिल्लाते हुए लग जाता रातें रात, फिर रातें रात पांच आदमी जो रिमांड कर देते। मजाक बना लिया। हमारे पास जो पुलिस है ना, ये पुलिस पूरा उनके अंडर में काम कर रही है। एमआईएम के कितने दिन काम करेंगे साहब? टोटल पुलिस टोटल लॉ एंड ऑर्डर पुराने शहर का इनके पास से हैंडल हो रहा है। इनके बदुआ हमारी खाली नहीं जाएंगे सलीम भाई, याद रखना। वल्लाह की कसम हमारे घर को खानदान को तबाह कर रहना, कल इनका खानदान इनका घर भी ऐसी तबाह हो जाएगा नाजायज तरीके से। आज घर में क्या आलम है समझ रहे हैं आप? खानदान में क्या सीन क्रिएट हो रहा है समझ रहे? अब ये पांच आदमी नाजायज के 387 केस में अंदर है पांच दिन से, तो क्या छुपेटेंगे हम? नहीं बिल्कुल नहीं बैठते। कैसा बैठते? क्या गाली बिली घर में लड़ाई लगा दिए ना, ये खानदान में तबाह वो कर दिया ना, हल्ला मचा के छोड़ दिए। तुम तुम्हारी जो रिश्तेदार का गलत इफादा उठा रहे। फिर पूरा हिंदुस्तान इत्तेहाद इत्तेहाद मुसलमानों, अरे कायका मट्टी का इत्तेहाद जी, 10 साल से होगा, 10 साल होगा सलीम भाई। रोड के लाले हो गए मुसलमान धोबी घाट में। इनकी अपनी कॉन्टेंसी आज तक सूरत नहीं है सदर साहब की। अरे चार से 30 मार खा इंचार्जों को भेजो, बोलो ना किसी गार्ड में दम है यहाँ पर। बिंतरी भागे खा गया पूरा, नाजायज तरीके से खा गया। 2 गज जमीन नहीं दिला सक रहे आज पलट के, झूठा आर्डर लेके आके खा गया। इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर क्या बात करते हैं सलीम भाई? ठीक है साहब, वे मैं जरा उस्मानिया हॉस्पिटल के किडनी वार्ड में हूँ, यहाँ पे एक इमरजेंसी पेशेंट को मदद करना। जरा टाइम दो सलीम भाई, आके मिलता हूँ मैं इंशाल्लाह। साहब वे मैं ये मैं फेसबुक पे डाल देता हूँ, ये मेरी आवाज आपको सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुँच जाती है। शुक्रिया साहब, मेहरबानी आपकी। इंडिया फर्स्ट 199 कस्टम स्टोर में आपका स्वागत है। पोडियम मॉल टोली चौकी ग्राउंड फ्लोर। आप लोग जो भी हजरात फ्रेंचाइज लेना चाह रहे हैं, जो 99 स्टोर फ्रेंचाइज नहीं लिए हैं, वो 199 स्टोर इंडिया फर्स्ट की आप फ्रेंचाइज ले सकते हो, ठीक है। और जो सप्लायर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, जो आपको लगता है कि 99 में आपके प्रोडक्ट बेच सकते हो, वो भी आपके लिए वेलकम है। यहाँ पर आप आइए, मुझसे मिलिए, 3 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक यहाँ पर रहता हूँ मैं। और कॉन्टेक्ट करिए नीचे लिखे हुए नंबर पर। नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर टोली चौकी पोडियम मॉल हैदराबाद। दोस्तों आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर पोडियम मॉल टोली चौकी ग्राउंड फ्लोर, और हमसे मिलकर जानिए बिजनेस करने का तरीका। होलसेल में आप मुझसे माल ले सकते हो, और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी ले सकते हो किस तरीके से खोलना है, प्रमोशंस वगैरह के बारे में। कॉन्टेक्ट करिए इस नंबर पर।